नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव का माहौल है, इसलिए हमारा मुद्दा भी जो है लोकसभा चुनाव ही है। और चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र का जो राजनीति कुछ अलग ही थलग जा रही है। इसमें कई चीज़ें सामने मतलब चर्चा में है, जैसे कि लोकसभा चुनाव के बाद लोगों के भविष्य दांव पर लगी हुई है। यानी कि शिवसेना की दो पार्टी है, एनसीपी की दो पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। तो लोकसभा चुनाव के बाद लोग यही कह रहे हैं कि बहुत से लोगों के भविष्य दांव पर लगी है और बहुत से लोगों की पोल खुलने वाली है इसमें। ऐसे में जो है उद्धव जी का क्या होगा, इसके बारे में हम बात थोड़ा चर्चा करेंगे कि उद्धव जी जो है लोकसभा चुनाव में उनकी किस तरह की उनकी परिणाम उनको उम्मीद है और किस तरह परिणाम आएगी और परिणाम के बाद क्या करेंगे, ये चर्चा का विषय है। सर आपको क्या लगता है? सर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ जी कि लोकसभा चुनाव में करारी हार, मतलब ऐसी हार का कोई शर्मनाक हार जी होने के बाद आपको, मगर अगर मैं अभी बोलता हूँ कि उद्धव ठाकरे मोदी जी के शरण में जाएंगे और बोलेंगे, कान पकड़ के बोलेंगे, पांव पकड़ के बोलेंगे कि भाई हमारे साथ फिर से समझौता कर लो, हम कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते जी, तो भरोसा करेंगे आप ये बात पर? बिल्कुल नहीं भरोसा करेंगे सर। सर भरोसा करो, कर लो। क्या बात? ये चुनाव में शिवसेना वाटा की ऐसी हार होगी कि उनका अस्तित्व जो अभी है वो भी नहीं रहेगा। तो उनको एक ही पर्याय रहता है, जो उन्होंने बीच में ये किया भी था जी, कि भाई हम आते आपके साथ, आप शिंदे साहब को पहले बोले कुछ मत रखो, हमको ले लो, हम मुख्यमंत्री वगैरह नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री फडणवीस ही बनेंगे, मगर हम आपके साथ आना चाहते हैं, तो ये जो गए हैं वो भी हमारे साथ आएंगे। तो उन्होंने ना बोला, बाद में बोले ठीक है शिंदे साहब को मुख्यमंत्री रखो मगर हमको साथ में ले लो। उसके लिए भी उन्होंने बोला नहीं, एनओसी चाहिए शिंदे साहब का। वो अगर शिंदे साहब डिसाइड करेंगे आपको लेना है कि नहीं लेना, वो भी नहीं देंगे। चुनाव के बाद डिसाइड कर लेंगे शिंदे साहब। नहीं, अभी बात तो वही है कि चुनाव में उद्धव ठाकरे की हार होना पक्का है। अभी ऐसा है कि फडणवीस भी कॉन्फिडेंस से सर इसमें एक मैं तो जी जी बिल्कुल रोकूंगा ये कि आप गौर कीजिए जरा सा कि शिवसेना लड़ रही है इस समय। जितने भी शिवसेना यानी शिंदे साहब की जितनी भी सीट है उनका प्रतिद्वंदी कौन है? शिवसेना है, ना कांग्रेस है ना एनसीपी है। गौर कीजिए सीट पे इतने 18, अगर शिंदे साहब 16 सीट अगर मिलते हैं, 16 सीट पे जो है शिवसेना सामने है, तो या तो उद्धव जी जीतेंगे या तो शिंदे साहब जीतेंगे। तो इसका मतलब शिंदे साहब सरस हो जाएंगे अगर उद्धव जी का जो हिसाब से बोल रहे हैं। सवाल ही नहीं। और शिंदे साहब अगर सरस में से सर करीबन 14 या 15 सीट आएगी। हाँ, अगर शिंदे साहब के 15-16 सीट आ गई तो वो तो एकदम टॉप पे रहेंगे, एकदम अच्छे से वो डिसीजन मेकर रहेंगे, अपने पार्टी प्रमुख है वो शिवसेना के। तो क्या बीजेपी अगर कहेगी तो वो मान जाएंगे कि इन लोगों को ले लो, क्योंकि उस समय तो उद्धव जी फ्यूज बल्ब की तरह हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या वापसी का रास्ता बीजेपी अपनाई कि एक तरह से 2019 से जिस तरह से 14 से ही पीछे पड़ी थी बीजेपी, हाथ धो के पीछे पड़ी थी, मतलब सत्ता में रहते हुए भी मोदी के खिलाफ लिखना, सामना में लिखना, संजय राउत का अलग ही ये रहता था। सर उसके बाद भी अगर सत्ता के खिलाफ लिखने की बात जो है ना जी, सर मनोहर जोशी सत्ता में थे, वो मुख्यमंत्री थे शिवसेना के जी, और अभंग शिवसेना थे वो, फिर भी मनोहर जोशी मुझे बोलते थे कि मेरा सबसे बड़ा विरोधी पक्ष जो है, दुश्मन जो है, वो संजय और सामना है जी। और मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म बाला साहब जितनी करते हैं, मेरे को बेइज्जत जितना बाला साहब करते हैं, उतनी तो विरोधी वाले नहीं करते, सबसे हमारी दोस्ती है, मेरे को ही वो अपमानित करते हैं, तो उसमें कोई नहीं। ये जब फडणवीस के साथ भी सत्ता में थे तब भी फडणवीस के ऊपर कितने टिप्पणी करते रहते हैं, और ये बोलते थे ना 25 साल रह के हम सड़ गए, सड़ गए, ये बोलने वाले उद्धव ही थे। तो और किस साथ राजीनामे बोलने वाले भी यही थे। ठीक है, नीतीश जी भी अलग हुए थे फिर वापस आ गए चुनाव के टाइम पर, ये हद तक जाके उन्होंने क्रिटिसिज्म नहीं किया, लेकिन यहाँ पर तो स्थिति अलग है ना सर। हाँ ना, गाली गलौज तो ऐसे में कैसे हम आश्चर्य तरीके से मान लो कि वो वापस आएंगे वो? सर कैसे है ना कि ऐसा बोलने को जरा थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, क्योंकि अपने दोस्त है सर शिंदे साहब जब ठाकरे के साथ थे उद्धव के, तो उन्होंने भी ऐसी गाली गलौज फडणवीस के ऊपर की है। उन्होंने तो डोंबिवली में राजीनामा भी निकाल के साइन कर दिया कि हम फडणवीस साहब के दबाव में काम नहीं कर सकते।
सर वो हमारे लोगों को जेल में डाल रहे हैं। अभी किसी का भी इतिहास निकालना ही नहीं। अजीत दादा ने अपने शिंदे साहब के ऊपर कितना गलत बोला। हाँ, जब अभी अभी महागड़ी सरकार गिरी तो अजीत दादा ने क्या छोड़ा जी, सब कुछ बोल दिए, फिर भी अजीत दादा को लिया कि नहीं लिया, यही राजनीति। शिंदे साहब को लिया कि नहीं लिया, यही तो राजनीति है सर। जो लोग कल तक शिंदे साहब को उद्धव के बाजू में बैठ के गाली दे रहे थे, वो शिंदे साहब के साथ कितने आए? आए ना सर, 15-20 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने शुरू में नहीं आए, नीलम गोरे से लेके वहां बैठ के गाली 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 करते रहे, और बाद में शिंदे साहब के गुट में आ गए और शिंदे साहब ने भी ले लिया। अब इनका बड़प्पन नहीं है कि उनको ले लिया, उनकी मजबूरी है कि उनको ले लिया, क्योंकि इनको अगर वीक करना है तो इनके ज्यादा से ज्यादा तोड़ना है। सर क्या है ना कि कभी कभी दुश्मनी करके किसी को खत्म करते हैं तो कभी दोस्ती करते खत्म करते हैं। बीजेपी की ये हमेशा नीति रही कि दुश्मन करके खत्म नहीं कर सकते तो दोस्ती करो और खत्म करो, हमेशा रही। उन्होंने सभी जगह यही किया है और करेंगे सर। अपने दोस्त सर वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते, खड़से को नहीं छोड़ा। अभी देखो खड़से को कल मेरा प्रवेश होगा, खड़से वाला खड़से अभी बाहर है। और सर ये देखो विटम बना कि उसकी बहू को टिकट दिया है बीजेपी ने, और वो खड़ी है और वो आशीर्वाद देने खड़से के पास गई तो वो बीजेपी में नहीं है, और उसकी ही बेटी महाराष्ट्र प्रदेश शरद पवार कांग्रेस की अध्यक्ष है, महिला कांग्रेस की जी। मतलब एक ही घर में दो है, तीन हो गए ना। हाँ तीन हो गए, मगर खड़से अभी त्रिशंकु है, वो उसको ना इधर ना उधर का है, जब तक नहीं आते तब तक राष्ट्रवादी छोड़ा है, मगर नहीं ले लेंगे उसको जी, ले लेंगे, उसमें कुछ नहीं। वो क्या करते हैं ना, नसबंदी करते हैं, और फिर कुत्तों की नसबंदी होती है ना, तो क्या है फिर उनको रास्ते पे छोड़ देते हैं, या ले लेते हैं। तो सर ऐसे है ना कि आजकल क्या करते हैं भाजपा वाले, वो पॉलिटिकल नसबंदी करते हैं फिर अपने ग्रुप में ले लेते हैं। तो खड़से की नसबंदी का काम चालू है अभी उधर, वो नसबंदी करेंगे, देखेंगे अभी इसको और पिलावड़ नहीं होगी, कोई स्टेटमेंट बिटमेंट नहीं देगा, उल्टा सुल्टा नहीं बोलेगा, करके चलता रहेगा। मतलब अभी वेटिंग लिस्ट पे है। हाँ तो रखा है सर। नारायण राणे जैसे दिग्गज नेता को उन्होंने पार्टी में लेने के लिए 3 महीने लिए, राज्यसभा देने के लिए 6 महीने या साल लिया, मंत्री करने के लिए 6 महीने साल लिया, तो खड़से क्या है सर। ऐसे बहुत सारे लोग नसबंदी के लाइन में सर, आनीबाणी में जैसे नसबंदी की लाइन लगती थी ना, वैसे भाजपा के ऑपरेशन थिएटर के बाहर वॉशिंग मशीन नहीं है, वो ऑपरेशन थिएटर है सर। अच्छा हाँ, वहां पे नसबंदी कर ली जाती है, फिर जिब बंदी भी की जाती है, इधर भी वोटों को सिला दे दिया जाता है। बोलेगा नहीं कुछ, हाँ तू बोलेगा नहीं, तू बोलेगा नहीं और कुछ करेगा नहीं, ऐसा खातरी हो गया, नसबंदी हो गई तो सर्टिफिकेट देते हैं कि इसको पार्टी में लो, फिर लेते हैं। वो वेटिंग रूम में सर लोग भी कितने निर्लज्ज होते हैं। अभी खड़से को भी लज्जा आनी चाहिए, तुमने इतना खिलाफ बोला है इनके। गिरीश महाजन को तो जेल में डालने के लिए इसने क्या नहीं किया खड़से ने, और खड़से को डालने में गिरीश महाजन कोई सर। अभी ऐसा है कि जैसे उद्धव को अंदर आने के लिए NOC किसकी चाहिए? शिंदे साहब की चाहिए। उद्धव को अगर बीजेपी में लेना है तो शिंदे साहब की चाहिए, वैसे गिरीश महाजन की NOC चाहिए जलगांव में, तभी खड़से को ले सकते हैं। गिरीश महाजन दे नहीं रहा है अभी तक, बोलता सड़ाओ इसको, इसकी इतनी अवहेलना अपमान होना चाहिए कि देखो भिखारी बैठा है, देखो देखो भिखारी बैठा है, मेरा हाथ में गहना है, ऐसा ही चल रहा है कि नहीं जी। तो खड़से की जो हालत है सर, टोटल हम बात कर रहे थे कि उद्धव का क्या होगा। उद्धव को मैं बोला कि शिंदे साहब की NOC मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ तो इसका जवाब है मिलेगी, मिल जाएगी सर, मिल जाएगी सर। कैसे है ना कि ऐसा आदमी जिसके दांत गिराए गए हैं, नाखून काट दिए गए हैं, ऐसा आदमी अगर शरण में आता है तो उसको मरण मत देना, उसको शरण ही देना, ऐसा चाणक्य बोल के गए। इसका अगर इतना जबरी पराभव होता है और शिवसेना पक्ष प्रमुख शिंदे को मानने को तैयार है, उसको बोलता है कि तुम्हारा पक्ष प्रमुख करो, तुम्हारा मुख्यमंत्री पद रखो और मुझे खाली, तो करेंगे क्या यहाँ पे आके? वो सर करना नहीं है, कुछ बचना है इनको, सिर्फ अभी बचना है, क्योंकि अभी इनके लोग सर, आज ये देखा ना राउत की प्रॉपर्टी, प्रवीण राउत, संजय हाँ। राउत का चुलत बहू, 80-80 करोड़, 73 करोड़ की बार प्रॉपर्टी जब्त हो गई, सील हो गई पूरी। हाँ सील हो गई, तो इनकी भी होने वाली है ना सर। वो मूर्ख जैसा आदित्य ठाकरे है ही चुतिया,
वो बोला कि इनके गोडाउन पे छापा पड़ा एकनाथ शिंदे के कैश के गोडाउन पे। सर इसके कंटेनर कहाँ रखा है ये तो शिंदे साहब को ज्यादा मालूम है। सर भिवंडी के गोडाउन है ना अलग अलग, उसमें भी इनका पैसा है। उसमें सर विडंबना कैसे हो देखो, कपिल पाटिल के कुछ गोडाउन्स में जो पैसा है जी, वो सर इन लोगों का है। पॉलिटिशियन कपिल पाटिल के गोडाउन बहुत मालूम है ना आपको। जी जी हाँ, आखिर में इतने कैश रखेंगे कैसे, रखेंगे कैसे, कंटेनर अंदर कंटेनर रखते ही है। तो सर अगली बात ये है कि सर ऐसा आदमी शरण आता है सर, कैसे है ना कि आप ये सोचो कि शरद पवार ने मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए कितना कुछ किया, थोड़ा कुछ, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। सर कांग्रेस में जो नेता अभी यहाँ आए हैं बीजेपी में, उनमें से बहुत सारे नेता जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी, तो उनको जेल में डालने के लिए आकाश पाताल एक कर रहे थे, मगर आज बीजेपी में है वो। सर अगर मोदी चार बार शरद पवार का साथ बैठे कि बाप हमारे साथ आ जाओ, वही शरद पवार जिन्होंने उनका विश्वासघात किया, आघात किया, आज भी विरोध में है, आज तो विरोध में बोल ही रहे हैं, चार बार बोल के कि मैं कल आता हूं, ये मेरे मंत्री, ये मेरे ये महामंडल, यहां तक गए, खाते वाटप कर दिया और फिर लास्ट मोमेंट को नहीं गए, तो कितना बड़ा अपमान मोदी जैसे पंतप्रधान जी का हो गया। फिर भी एक बार अपमान, फिर दो बार अपमान, फिर मोदी बैठे, शाह बैठे, तीसरी बार, चौथी बार। जब मैं सुनता हूं अजीत दादा और इनको कि चार चार बार हम साथ में बैठे और फडणवीस बोलते चारदा मीटिंग डाली, तो मुझे गुस्सा आता है कि मोदी जैसे हिमालय को क्या पड़ी है कि इनको चार बार बिठाया साथ में, दगा दे रहे हैं हर बार एक बार यहां से छुरी कुपसी, वहां पर खंजीर कुपसा, यहां से तलवार मारी, फिर भी आप उनके साथ बैठ रहे हैं। वो तेल लगा पहलवान उनको कहते ही सब पकड़ में आते ही नहीं। वो पकड़ में आना की बात अलग है, यहाँ पे पकड़ में आए थे मगर वो अलग कारण से हुआ, वो उसमें नहीं जाएंगे। मगर सर मोदी की मजबूरी नहीं है क्या ये कि चार बार ऐसे आदमी के साथ बैठे जो विश्वासघात के ऊपर विश्वासघात करते गए, पार्टी तोड़ना पड़ा उनका, आखिर पार्टी तोड़ना पड़ा है कि नहीं। तो मोदी की मजबूरी से ज्यादा शिंदे की मजबूरी हो सकती है क्या, शिंदे का मोदी से बड़े हैं। अगर मोदी पवार को एक्सेप्ट करने को तैयार है तो शिंदे साहब खुद को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों ना बोलेंगे, शर्तें किन की होगी। इसमें भी और एक हरामीपणा हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है क्या? सर कैसे है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो कल अगर ठाकरे नाम का फायदा, भले इलेक्शन में सब चुनाव हार गए, पूरे के पूरे 16 17 18 इनके आगे, शिंदे के आगे, और उनके कोई नहीं आया, एक भी नहीं आया, कांग्रेस जैसी हालत होगी, एक ही आ गया, तो भी वो ठाकरे सरनेम जो है उसकी एक विरासत है, वो विरासत अपने साथ रहे। सर राज ठाकरे को उन्होंने विरासत के लिए नहीं लिया क्योंकि राज ठाकरे ठाकरे है ही नहीं, राज है जी, राज साहब है ज्यादा, राज को ठाकरे करके महत्व है ही नहीं, कोई महत्व नहीं है ठाकरे करके, राज को राज करके है, उसका अपना महत्व है, वो राज नाम में है, ठाकरे आडनाव में नहीं है, वो टूट चुका है ठाकरे आडनाव, तो अभी वो यूज कर रहा है करके है। मगर सर इधर ऐसा है कि उद्धव के साथ ठाकरे नाम जुड़ा है क्योंकि बाला साहब का बेटा है। सर ठाकरे का इनके साथ आना, बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट थे जी, तो हिंदू हृदय सम्राट का बेटा अगर है, सर आप इनकी मजबूरी देखो कि जो मनेका गांधी इमरजेंसी में इतनी बदनाम हो गई, कितनी बदनाम हुई संजय गांधी, और वो सबसे ज्यादा रेहाना सुल्ताना करके एक और औरत थी उसकी बेटी, वो फिल्मों में है सर, वो बदनाम मनेका गांधी को खाली गांधी घराना तोड़ा हमने ये दिखाने के लिए भाजपा ने लिया मंत्री किया, और वो भी उपद्रवी मंत्री हुई, प्रदूषण और ये उसको दे दिया, जिसकी वजह से वो पूरे देश को ब्लैकमेल करती रही, मुसीबत में डालती रही, प्रोजेक्ट्स को ये करती रही, आखिर में मंत्री पद से उसको हटाना पड़ा। अभी देखो उसमें भी देखो मजबूरी, सर मोदी भी मजबूर है, मजबूत है मगर मजबूर है, मोदी ने मनेका को टिकट नहीं दिया, मनेका को टिकट दिया, बेटे को नहीं दिया क्योंकि बेटे को अंदाज आया था कि मेरे खिलाफ ये होने वाला है, तो पहले से ही उसने बोलने शुरू कर दिया खिलाफ,
मतलब माँ मोदी के साथ और बेटा मोदी के खिलाफ, फिर भी मोदी मनेका को टिकट दिया। क्या में ऐसी मजबूरी है? एक ही मजबूरी है कि सोनिया गांधी है तो मनेका गांधी होनी चाहिए। सर यही ठाकरे की बात है, मोदी प्रिफरेंस देके उद्धव को शरण देंगे, मरण नहीं देंगे, शरण में ले लेंगे और शिंदे को बोलेंगे आप मुख्यमंत्री हैं, आपके बेटों को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं। अभी उनका नियम है कि एक ही घर से दो मंत्री नहीं बनाने का। नीतीश राणा को मैंने पूछा कि तुमको क्यों नहीं मंत्री बनाया इधर, तो बोला शाह साहब ने बोला कि आप केंद्रीय मंत्री है बड़े साहब, तो छोटे साहब को नहीं हम कर सकते, करके नहीं किया। सर फिर भी वो बोलेंगे चलो हम तुम्हारे बेटे को केंद्रीय मंत्री करते हैं, वो भी तुम बोलो कौन से डिपार्टमेंट का करना है, करते हैं और तुम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहो ना, तो सर ये बोलेंगे ठीक है उद्धव को ले लो। सर राज को लेना भी कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है इन लोगों ने, फिर भी राज ठाकरे को लिया है, सिर्फ इसके लिए वो गाली ना दे। सर उद्धव ठाकरे की गाली बंद करना भी एक बड़ा आवश्यक गोष्ठ है, विधानसभा में काम आएगा। सर मेरे को तो डर लग रहा है कि बाद में ऐसी हालत होगी अगर 45 सीट मिल गई भाजपा को महाराष्ट्र में, मतलब महायुति को 45 मिल गई, तो शरद पवार भी बोलेंगे मैं आने को तैयार हूं, तो बचेगा दो भी बोले सर बचेगा कांग्रेस छोड़ के, अरे कांग्रेस में भी आधे लोग इधर, नाना पटोले तो बीजेपी में ही था पहले विजय वडेट्टीवार का तो नाम आ चुका कि वो जा रहा है करके, तो बाला साहब थोरत का भी आ गया है, अशोक चव्हाण तो चला भी गया है। अगर पॉजिटिव लोकसभा हुई तो विधानसभा में क्या होगा, मेरे तो शुरू लेके सोच नहीं, नहीं सर विधानसभा में विपक्ष कोई रहेगा कि नहीं मालूम। नहीं नहीं ये देखो फिर महाराष्ट्र में सिर्फ कांग्रेस छोड़ के जी कोई अपोजिशन ही नहीं रहेगी। सर ये सोचो विधानसभा के पहले अगर शरद पवार भी आ गए, उद्धव भी आ गए, राज ठाकरे भी आ गए साथ में ये आ गए, तो अपोजिशन में सिर्फ कांग्रेस रहेगी। कितने सीट सर 250 इन लोगों की आ जाएगी ऐसी हालत होगी, ये संभव तो मुश्किल है लेकिन सर क्यों नहीं है, शरद पवार चार बार बैठ चुके हैं, उद्धव प्रयत्न कर चुके हैं, उद्धव शरण गए थे खाली सर, लेकिन महाराष्ट्र राजनीति क्या होगी सर? अच्छा हो जाएगा, अच्छा जाएगा। हाँ सर अच्छा ही होगा, भला ही होगा महाराष्ट्र का। ये जो रोज कुत्ते भूंगते हैं ना एक दूसरे पर, सर क्या है ना महाराष्ट्र में कुत्तों की दो अवस्था है पॉलिटिकल, मैं नाम नहीं लूंगा, या तो एक दूसरे पर भोंकते और एक दूसरे का ये करते हैं क्या नोचते रहते हैं, या तो वो झेंगट होता है ना कुत्तों का। महाराष्ट्र में जो हुआ है ना सर, वो कुत्तों का भाद्रपद में वो जो झेंगट होता है ना, ऐसा झेंगट हुआ है कि दोनों दोनों तरफ खींचते रहते हैं मगर एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये सर सही उपमा है, मैं व्यंग्य चित्रकार होगा होता ना तो मैं यही निकालता कि दो का झेंगट तो हुआ है तीसरा उसमें डाल रहा है, वो कुत्ते देखते हैं हम भाद्रपद में सर ऐसा होता है, दो का झेंगट में तीसरा कुत्ता साला कुत्ता है उनका झेंगट नहीं छूट रहा है, दोनों अटके पड़े उसमें तू का कुत्ता है, पर कुत्ते रहते हैं दो चार कुत्ते, वो ऐसा महाराष्ट्र में दोनों महागाड़ी और महायुति में ऐसा कुत्ते का झेंगट बैठा है और उसमें बाकी कुत्ते खुद रहे। सर कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर लोकसभा में इनके 400 पार हो गए और महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा हो गए, सर कोई उद्धव और शरद पवार दोनों का मैं भरोसा नहीं दे सकता, और बीजेपी वाले है ना लेने वाले हैं ना भाई, देने वाला है तो क्या है, लेने वाले भी है। ये अगर पे रखूं कि मगर पे रखूं मैं इसको? नहीं 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 अगर मगर रखो ही ना मत, ये अगर 400 पार जाते हैं और 45 पार इधर जाते हैं तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों, शरद पवार की मैं अभी गारंटी नहीं देता हूँ, उद्धव ठाकरे की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं अंदर की बात जानता हूँ, जाएंगे पक्का जाएंगे। और ये मंत्रिमंडल विधानसभा के बाद ऐसा होगा कि जिसमें मनसे के भी मंत्री होंगे, जिसमें शिवसेना उद्धव के भी होंगे, शिवसेना शिंदे के भी होंगे, मुख्यमंत्री शिंदे बनेंगे, या तो सर ऐसा भी हो सकता है कि ये सब इसमें फडणवीस बोलेंगे कि भाई अभी बीजेपी का मंत्री होना चाहिए और दिल्ली में जाके बोलेंगे कि अभी ये ऐसी हालत में शिंदे साहब को उप मुख्यमंत्री बनाओ। सर शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री के बाद 78 में शरद पवार के मंत्रिमंडल में मेरे ख्याल से महसूल या पीडब्ल्यूडी के मंत्री बने थे, साधे कैबिनेट मंत्री बने थे जी। तो मैं उनके पास का था, उनको पूछा ये बोले जान बची लाखों पाए, राजनीति में ऐसा होता है, पगड़ी सलामत तो सर सलामत तो पगड़ी 50 जी ताजा। सर मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ और खत्म करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया सर, ये बाकी तो सब शरद पवार आ रहा है आ रहा है वो रहा है वो तो सब झंझट हो ही गया। सर बाद में ऐसा होगा फडणवीस जाके बोलेंगे कि अभी यही समय है कि बीजेपी को
ये करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या हमारी है सर। उस समय इनके 103 नहीं रह गए, इनको 80-90 ही रहेंगे, सब में बांटना है ना खिलाफत। तो बोलेंगे कि अभी भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और आशा से मोदी और इनकी आंखों में देखेंगे कि वो मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा और विनोद तावड़े मुख्यमंत्री करके आए, और ये उनको बोलेंगे तुम केंद्र में आ जाओ, खत्म मामला सर। चलो तो भयानक भयानक, आप सोच नहीं सर क्या ऐसी चीजें होने वाली है लोकसभा चुनाव। आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, क्या ये संभव है, संभव है तो कैसे है, क्या उद्धव जी को जो है। और मैंने जो बोला ना, एक आखिरी बात, एक शब्द सर, मैंने जो बोला ना कि महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति जो है महागाड़ी और महायुति की, वो कुत्ते के भाद्रपद वाले झेंगट जैसी हुई है, ये आपको पसंद आया? सच में हुई सर। चलो तो प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। लोकसभा चुनाव जुड़ी हर खबरों को, हर विश्लेषण को आप तक पहुंचाने के हम अभिनंदन। यस, आपको ये यहाँ सुनने को मिलता है किधर नहीं मिलता। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।